गुड मॉर्निंग डिशनर्स आज मॉर्निंग असेंबली में सरकारों से मैं एक प्रार्थना करूंगा प्रे टू गवर्नमेंट्स कि सड़कों पर कोहरम मचारे कर्मचारियों की सुने पक्का करो पक्का करो बचपन से ये आवाज़ सुनते रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी पक्का करो बड़े दुख की बात है नासमझी की बात है और गंवार पने की बात है सबसे सस्ता शर्म दुनिया में वहां भी फिर क्या बच गया रोनो धोना सरकारों को शर्म आनी चाहिए तो एक मामूली से वेतन पर एक कर्मचारी उच्च दक्षता प्राप्त कर्मचारी कार्य करने लिए तैयार तो है नियमितीकरण चाहते हैं लोग ताकि वो मानसिक संतुष्टि मिले ज़्यादा क्षमता के साथ कार्य कर सकें उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी उनको नियमन बस जोड़ने से मैंने पहले कहा था एशियन कंट्री जितने भी हैं अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी आबादी और इकोनॉमी इस दौर में वो ज्यादा बड़े वेतन की नौकरियां पैदा ना करें इस थ्योरी को आज बिल्कुल अपने जहन बैठा लें कि वो ज्यादा वेतन बड़े वेतन की नौकरियां तैयार न करें परंतु जब अच्छे कर्मचारी एक बहुत मामूली वेतन मिल रहे हैं उनको नियमित के साथ नियुक्त किया जाए रेगुलराइजेशन के लिए लंबे समय तक सड़कों पर उनको न भटकना पड़े आंदोलन न करना पड़े सड़कों से आंदोलन हटाने हैं बढ़ाने नहीं हैं सरकारें अपनी नाकामी के चलते आंदोलन खड़ा करती हैं प्रथम प्रयास में कुचलियाँ करती हैं फिर लड़ने का करती हैं और अंत में जाकर कहीं चुनावी दौर में झुकना पड़ता है ये परंपरा लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होती जॉब राइट के बाद उन्होंने पहले भी थी मनरेगा जैसी योजना जो भारत में चल रही है वो दूसरे देश भी आजमा सकते हैं आज श्रम बाजार यूरोपीय देशों के सामने अलग प्रकार का है बेकारी वो लोग भी झेल रहे हैं मिस मैनेजमेंट के चलते हमें नहीं करना है हमारे पास सबसे शुभ समय है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना जो भी इंडियन कंट्रीज हैं यहाँ तक मैं वियतनाम तक तो की बात करूँगा मलेशिया बर्मा म्यांमार की बड़ा सस्ता श्रम उपलब्ध है फिर शर्म किस बात की अब तो शिक्षित लोग उपलब्ध हैं सरकारी एजेंसियाँ घोषणा करें कि दसवीं पास अठारह साल की युवा स्नातक ग्रेजुएट्स अठारह साल की युवा जॉब के लिए सरकारी एजेंसियों संपर्क में अपना जॉब प्राप्त करें बड़े साधारण वेतन पर लोग आने को तैयार हैं परंतु उनको नियुक्तियां नियमित कर उनके साथ दिए जाए कार्य दिवस होंगे दो सौ कार्य दिवस होंगे पिछले बीस साल से छः छः महीने कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है ये ठीक परंपरा नहीं है इसे स्वयं एक विभाग और कर्मचारी ओलजे ओलजे से रहते हैं और फिर बचा खुचा सड़कों प्रदर्शनों का दौर ये ठीक नहीं है हर देश की सरकार से मैं कह रहा हूँ एक बार आप अपने सर, उपलब्ध श्रम शक्ति को छोटे वेतन पर मैंने बार बार कहा बड़े वेतन ये अपने निजी लोगों लाभ लाभ पहुँचाने सर्जित कर सकते हैं ये सलाहकार बहुत बड़े वेतन पर यहाँ सलाहकार मुफ्त तो में मिल जाएंगे भैया बहुत छोटे वेतन मिल जाएंगे जो भी सलाहकार चाहिए अच्छे से प्रबंधित करने के लिए मैनेज करने के लिए कंट्री को जिले को स्टेट को इंस्टीट्यूट को इस दिशा में आगे बढ़ना हम सभी को और ये शब्द लगभग गायब हो जाए और भारत का भी पश्चिम बंगाल राज्य भर्ती घोटाले से अभी जूझ रहा हम सड़कों पर उनके जो चित्र अखबारों में पिक्चर्स जारी की गई हैं बड़ा दुख पहुंचता है कि बेकारी की मार झेल रहे पढ़े लिखे युवक और युवतियाँ सड़कों पर किस तरह परेशान नजर बेहाल नजर आ रहे हैं और ये जो भर्ती घोटालों का जो दौर लंबे समय से, से जो चल रहा है ये रुकेगा छोटे वेतन पर काम करने लसली देश वक्त हम राष्ट्र सेवा को उपदेश देते हैं राष्ट्र सेवा वाले खड़े हैं उनको सेवा का मौका तो दें हमारी यही नासमझी है कि एक तरफ हम कर राष्ट्र सेवा करो हमारी युवक और युवतियाँ प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा करने आ गए दरवाजे पर खड़े नियुक्तियों के एम्प्लॉयर के सरकारी एजेंसियों के हम राष्ट्रभक्त हैं सेना में रेल में डाक में जहाँ भी चाहिए हर तरह हर जगह के लिए वो तैयार खड़े तो सरकार उनका मनोबल बढ़ाए और देश को एक सशक्त अनुशासित राष्ट्र शक्तिशाली और अनुशासित राष्ट्र में शक्तिशाली और सभ्य राष्ट्र में बदलने के लिए उन लोगों को नियोजित करें जॉब राइट लाएँ सरकारें छोटे वेतन पर उन लोगों को नियुक्त करें नौकरी लोगों के दिमाग के लिए बोझ नहीं बने खुशी से लोग करें कि मैं करूंगा और आसानी से मिल भी जाए जॉब राइट के मतलब कि जो लोग जॉब चाह रहे हैं उनको जॉब दे दिया जाए जो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं राज्य सेवा राष्ट्र सेवा जो करना चाहते हैं उन राष्ट्रीय सेवा का मौका दें मैं इसी सात वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद